हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एलकेजी क्लास की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ, या आप इसको जनरल नॉलेज भी बोल सकते हो। ईवीएस एकदम नाम से ईवीएस नहीं चलता है एलकेजी क्लास में, बट वो मिक्स एंड मैच रहता है। मतलब बेसिकली बच्चों को हिंदी इंग्लिश मैथ्स के अलावा आपने क्या क्या सिखाना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलकेजी क्लास में पहले तो आपको बच्चे को इंट्रोडक्शन देना होता है माई सेल्फ का। मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा गूगल पे। अगर एक सिर्फ आप माई सेल्फ की बात करेंगे तो 2 पेज का भी माई सेल्फ हो सकता है, 1 पेज का भी हो सकता है, 20 लाइनों का भी हो सकता है। ज़रूरी ये है ये जानना कि बच्चे के सिलेबस में कितना है। लोग आप हम एज अ पेरेंट सोचते हैं उसको क्या क्या लर्न करवा दें, बट आप पहले ये देखिए कि बच्चे के सिलेबस में क्या क्या है, फिर उसको लर्न करवाइए। तो जैसे मैं बात करूँ माई सेल्फ का, तो एलकेजी के क्लास में बच्चे ने सिर्फ यही जानना है माई नेम इज़ डैश एंड डैश, आई एम अ बॉय और अ गर्ल। मीन्स देखिए कितनी लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मुश्किल से 10 लाइनें एलकेजी के बच्चे को जाननी होती हैं। माई फादर्स नेम इज़ जो भी है, माई फादर इज एन जो भी उनका वर्क है, माई मदर्स नेम इज़, माई मदर इज एन जो भी है, आई हैव 1 brother, 2 brother, 1 sister, 2 sister जो भी है, आई लिव इन इधर, माई हॉबीज आर सो एंड सो। तो बस इतना ही बच्चे को सिखाना है। यही यूकेजी क्लास में जाके थोड़ा और बढ़ जाता है, माई फेवरेट ये, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज ये, माई फादर्स फोन नंबर इज ये। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो एलकेजी क्लास में माई सेल्फ के ऊपर आपको बच्चे को सिर्फ यही सिखाना है। नेक्स्ट चलते हैं द फैमिली में, या फिर माई फैमिली का ही जगह इंट्रोडक्शन होता है। उसके भी आप वीडियोस देखेंगे तो लोग ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल फैमिली पैटर्नल फैमिली इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे रखा है, बट इतना नहीं होता है एलकेजी क्लास के बच्चे के सिलेबस में। बच्चे को सिर्फ कौन से वर्ड्स जानने होते हैं, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर, फादर, सन, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मीन्स अपनी फैमिली और जिसमें आपको ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर इन्वॉल्व करने होते हैं, उसको आप कई ढंग से पूछ सकते हैं। जैसे हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, और व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर ग्रैंड फादर नेम, इस टाइप की चीज़ें आप जान सकते हैं। या कुछ अगर बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि आप अपने फादर के फादर को क्या कहते हैं, बस इस तरीके से। पार्ट्स ऑफ बॉडी में एटलीस्ट बच्चे को 20 बॉडी पार्ट्स पता होने चाहिए एलकेजी क्लास में। तो जैसे आई, ईयर, नोज, टीथ, इस टाइप के जो सिंपल होते हैं, हेड, चीक, चिन, चेस्ट, इस तरीके से। बट एलकेजी क्लास में बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी से इस तरीके से नहीं पूछते हैं कि नेम 10 बॉडी पार्ट्स, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने वीडियो भी डाला है, तो आप प्लीज़ उसे चेक करिएगा जाके मेरे जीके ईवीएस की प्लेलिस्ट में। जैसे हाउ मेनी आइज डू यू हैव, व्हाट डू यू डू विद योर आइज, व्हाट डू यू डू विद योर ईयर्स, हाउ डू यू स्मेल, तो इस तरीके के छोटे छोटे बच्चे को आंसर देने होते हैं, ना कि सिर्फ बॉडी पार्ट्स आपको सुनाने होते हैं। फिर नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, वो जो माई नेबरहुड में आता है। तो नेबरहुड में अभी वो पार्क और ये सब है, लेकिन अभी क्या अंदर इनसाइड डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। जैसे बच्चे ने पता होना चाहिए कि किचन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ओवन, टोस्टर, स्पून, नाइफ, पहले आप बच्चे से पूछिए उसे किचन में क्या क्या दिखता है, फ्राइंग पैन, कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर। तो फिर वही ये चीज़ें तो बच्चा याद करे ही करे। संग में क्वेश्चन आंसर फोकस्ड होते हैं, जैसे वेयर डज योर मदर कुक फूड, आपकी मम्मी खाना कहाँ बनाती है, नेम 3 things दैट यू सी इन किचन, वो कोई भी 3 things बताइए जो किचन में दिखती है, या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गैस लाइटर, या गैस लाइटर यूज टू फायर द यू नो गैस, इस तरीके से, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टोस्टर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे फोकस करिए, ना कि सिर्फ आप 10 चीज़ें बताइए, 5 चीज़ें बताइए, बच्चे को आप रटवा रहे हो। फिर आता है नेक्स्ट बेडरूम, बेडरूम में सिंपल आप उसको दिखाओ ना कि आपके अगल बगल क्या रखा है, जहाँ वो सोता है, क्लॉक, पिलो, सीनरी, हैंगर, स्ट्रिप, इस टाइप से सिंपल सिंपल चीज़ें, लैम्प, क्विल्ट, बेड, अलमीरा, टॉयज, कारपेट। वेयर डू यू स्लीप इन योर बेडरूम, आई स्लीप ऑन माई बेड इन माई बेडरूम, नेम 2 things दैट यू सी इन योर बेडरूम, डू यू हैव पिलोज एंड क्विल्ट इन योर बेडरूम। तो एलकेजी में बेसिकली हमें इंटरेस्ट बच्चे को डालना होता है कि क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे। फिर ड्राइंग रूम का कंसेप्ट अलग से बच्चे को देना होता है, ड्राइंग रूम में लैम्प हो गया, टेलीफोन, स्टूल, कैलेंडर, पिक्चर फ्रेम, बुक सेल्फ, देन टेबल, एक्वेरियम, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर। फिर आ गया वेयर डू यू रिसीव योर गेस्ट, नेम 2 things दैट आर केप्ट इन योर ड्राइंग रूम, व्हाट इज अ सोफा यूज फॉर सिटिंग, या जो भी है। तो ये ड्राइंग रूम का कंसेप्ट आपने देना है। फिर देना है आपने स्टडी रूम का, पेन, नाइट लैंप, पेंसिल, बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, चार्ट, इस तरीके का। फिर वही से ही बच्चे से पूछना वेयर डू यू स्टडी एट होम, नेम 2 things दैट यू सी इन योर स्टडी,
रूम, डू यू हैव अ कंप्यूटर इन स्टडी इन योर स्टडी रूम, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने छोटे छोटे भी पूछने। अब बात आती है पेट एनिमल्स की, तो इसमें भी अक्सर देखा गया जो पेरेंट्स होते हैं ना वो लर्न करवाने में लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो पेरेंट्स फोकस करेंगे इनकी स्पेलिंग्स लर्न करवा दें, अच्छी बात है वो आप लर्न करवाइए, बट पहली बात तो ये कि जो पेट एनिमल्स या फार्म एनिमल्स है ज़्यादा बच्चे को अभी इस डिफरेंस मत बताइए, वो अभी आगे जान जाएगा। जैसे कुछ लोग इसी को कह देते हैं पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल, इन्हीं को फार्म एनिमल्स कहते हैं, कई लोग इस तरीके का करते हैं, बट आप सिंपल पेट एनिमल्स बताइए और बहुत ही सिंपल जो बेसिक बच्चे जानते हैं उनका नाम लीजिए। मेन फोकस फिर अगेन क्वेश्चन में करिए विच एनिमल गिव्स अस मिल्क, जैसे काउ एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क, विच एनिमल गिव्स अस वूल, शीप गिव्स अस वूल, विच एनिमल इज यूज फॉर राइडिंग, हॉर्स इज यूज फॉर राइडिंग, विच एनिमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक, तो इस तरीके से आप मीन्स इस तरीके से आप बच्चों को करवाइए, यू नो क्वेश्चन पे फोकस करिए। सेम ऐसे अगर हम बात करें वाइल्ड एनिमल्स की, तो वाइल्ड एनिमल्स भी आप सिंपल बताइए, बियर, मंकी, फॉक्स, डियर, जो जो आपने जू में देखे हैं या मीन्स जो बच्चा पहचानता है, आजकल बच्चे पहचानते हैं, इतने बच्चे वीडियोस और देखते हैं, उसमें फिर आपने पूछना है विच इज द टॉलेस्ट एनिमल, विच एनिमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, विच एनिमल हैज अ हम सेम एंड इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछिए, कौन सा एनिमल सबसे बिग है, कौन सा छोटा होगा, कौन सा मोटा होगा, इस तरीके के। सेम वाटर एनिमल्स में भी आप ऐसी फोकस कर सकते हैं, जैसे डॉल्फिन, सील, शार्क, प्रॉन, वॉलरस, ईल, क्रैब, ऑक्टोपस, बस इतना ही समझाइए, ज्यादा वाटर एनिमल्स की जरूरत नहीं है। फिर नेम द एनिमल दैट हैज 8 आर्म्स, ऑक्टोपस है जैसे, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल, आप वैसे बोल सकते हो व्हेल है, विच वाटर एनिमल रिमाइंड यू ऑफ स्नेक, ईल, इस तरीके के ये क्वेश्चंस हो गए। फिर जैसे वाटर बर्ड्स, जो बर्ड्स ज़्यादातर पानी में रहती हैं, गूस, स्वान, डक, पेंगुइन, सीगुल, किंगफिशर, क्रेन, हिरन, व्हाई डू बर्ड्स हैव लॉन्ग नेक्स, लॉन्ग नेक उनकी क्यों होती है बच्चों को बताओ, देखो लॉन्ग नेक्स दे मीट इट देयर फूड हो गया या कुछ भी हो गया, इंसेक्ट अंडर वाटर, व्हाट इज द किंगफिशर होल्डिंग इन वीक, किंगफिशर के इस यहाँ पे क्या होता है, नेम द बर्ड विच लिव्स इन आर्कटिक रीजन, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को लर्न करवानी है, ना कि जीके ईवीएस में आपको पढ़ाना है। तो सिंपल बर्ड्स की बात करें, पैरट, पीकॉक, पिजन, स्पैरो, आउल, इस तरीके के सिंपल जो बर्ड्स होती हैं, जिससे फिर इसमें क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, विच बर्ड डांसेस इन द रेन, नेम द बर्ड दैट स्टिचेस इट्स नेस्ट, विच बर्ड कैन सी ओनली इन द डार्क, तो इस तरीके की चीज़ें फोकस करिए। ये वीडियो मैं दो पार्ट में करके बना रही हूँ, पार्ट वन पार्ट टू, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं फर्दर डालूंगी तो उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।